हमारे पास मिडल ईस्ट के पेशेंट आते हैं, इराक के आते हैं, नॉर्थ अफ्रीका के आते हैं, जो इंडिया में अपना इलाज कराने आते हैं, तो उनका सबसे सबसे कॉमन कैंसर जो वो लेके आते हैं वो बड़ी हाथ का कैंसर है। अच्छा, अभी किसी को जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर डायग्नोज हो गया, किसी के फादर को, मदर को, ब्रदर को, घर में हो गया, तो उनके मन में कई सवाल उठते हैं कि भाई अब कैंसर हो गया, अब कैसे इसका इलाज होगा, कहाँ जाए, किसको दिखाए, बहुत खर्चा आने वाला है, इलाज अवेलेबल है भी या नहीं अवेलेबल है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैंसर का ट्रीटमेंट आज के दिन एक प्रेसिजन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है, कि हर बीमारी का अपना इलाज है, और ऐसा नहीं है कि तुम ज़्यादा खर्चा करोगे तो और बेटर आउटकम या और बेटर सर्वाइवल आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो दिमाग में उठता है कैंसर पेशेंट्स के, क्योंकि जब कैंसर होता है तो क्या है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, तो हजारों तरफ ओपिनियन आता है, कोई कहता है जी इसको बॉम्बे ले जाओ, कोई कहता है जी इसको दिल्ली ले जाओ, कोई कहता है जी इसको अब्रॉड ले जाओ, कोई कहता है दिल्ली एम्स के अलावा कहीं मत लेके जाना। पेशेंट दूर दूर से पूरी फैमिली को बांध के अपना काम धंधा छोड़ के सब पहुँच जाते हैं लाइनों के अंदर, क्या इन बड़े सेंटर्स में जाना बेनिफिशियल है, या अगर आपके घर के पास कोई अच्छा क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट हो तो घर के पास इलाज कराना बेटर है? नमस्ते दोस्तों, तो कैंसर आज की युग की सच्चाई है, खराब खाना, खराब लाइफस्टाइल, खराब एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, स्मोकिंग, डाइट, लाइफस्टाइल, कैंसर बढ़ रहा है, और हर परिवार में, हर घर में धीरे धीरे कोई ना कोई कैंसर से कोई ना कोई परिवार वाला ग्रस्त है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, मेरे यंगर ब्रदर हैं, एम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है, दिल्ली एम्स से MBBS, MD और DM करके इस समय फोर्टिस हॉस्पिटल में सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर के स्पेशलिस्ट है, और इनके पास विश्व भर से पेशेंट आते हैं कैंसर के इलाज कराने, ठीक भी होते हैं। पर एक समस्या जो मैं इनके मरीजों में देखता हूँ, हमारे घरों में देखता हूँ, मेरे मरीजों में देखता हूँ, कि कैंसर का इलाज महंगा है, कैंसर के इलाज से पूरा परिवार पीड़ित हो जाता है, और कैंसर का इलाज कराने के लिए मरीज हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, क्योंकि ये जीवन और मौत का मामला है। अच्छे इलाज और बुरे इलाज में आदमी की जीवन और मृत्यु बनी रहती है। तो आज हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि अगर हमारे परिवार में, वैसे किसी सब परिवार सेहतमंद रहे, तो अगर हमारे परिवार में, हमारे जानकारी में, हमारे आसपास में किसी को कैंसर हो जाए, तो किस तरीके से उसके इलाज को कराया जाए ताकि उनको बेहतरीन रिजल्ट मिले। तो वेलकम डॉक्टर विनीत। तो पहले तो आप डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे कि ये ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? बिल्कुल, तो जैसे आज के दिन स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, वेरियस फील्ड्स में ये देखा गया है कि नॉलेज का एक्सपेंशन इतना है कि एक समय था जब एक सिंपल डॉक्टर हर तरह का इलाज खुद ही कर लेता था, चाहे बच्चे का हो, बड़े का हो, बूढ़े का हो, किडनी, हार्ट, लिवर, सब कुछ एक ही डॉक्टर कर लेता था। पर हर फील्ड में इंफॉर्मेशन की इतनी एक्सप्लोजन है कि आज के दिन पॉसिबल नहीं है कि एक इंडिविजुअल डॉक्टर हर स्पेशलिटी को खुद संभाल सके। तो ओवर टाइम कैंसर की फील्ड एक ऐसी नॉलेज एक्सप्लोजन फेज में है कि हर कैंसर के अंदर एक कंप्लीट स्पेशलिटी बनती जा रही है, और ऐसे ही में एक नई स्पेशलिटी इमर्ज हुई है जिसको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, विच इज़ अ कैंसर स्पेशलिस्ट। तो कैंसर स्पेशलिस्ट का मेन काम ये होता है कि कैंसर की फील्ड को, कैंसर को ट्रीट करना, और उसके पेशेंट जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से लेटेस्ट और बेटर आउटकम देना। तो ऑन्कोलॉजिस्ट, तो ऑन्को मतलब कैंसर, ये ऑन्को वर्ड बड़ा अजीब सा, ऑन्को वर्ड, कार्डियो तो पता है हार्ट है, गैस्ट्रो मतलब पेट है, ये ऑन्को मतलब क्या हुआ, व्हाट इज ऑन्को? वर्ड का ओरिजिन ओल्ड, जैसे जितने भी हमारे टर्मिनोलॉजी होती है मेडिकल ओल्ड लैटिन से आते हैं, तो ऑन्को वर्ड का बेसिक मतलब होता है कैंसर। तो ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर का ट्रीट करने वाला, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियो को, हार्ट को ठीक करने वाला, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का इलाज करने वाला। तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं? तो ऑन्कोलॉजिस्ट का एक ऑन्कोलॉजी एक सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री है। यदि इंडिया में कोई आदमी ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको स्कूल के बाद अपना मेडिकल स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, और मेडिकल कॉलेज में MBBS जो 5.5 साल की डिग्री होती है वो पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद वो डायरेक्टली ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, पहले उसको एक स्पेशलाइजेशन डिग्री यानी MD करनी पड़ती है, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, जो या तो वो मेडिसिन में कर सकता है या पीडियाट्रिक्स में कर सकता है, क्योंकि कैंसर का इलाज करने से पहले जनरल बॉडी का इलाज, पेशेंट को एक्सपर्ट होने की जरूरत है, उसके बाद ही वो कैंसर का इलाज कर सकता है। MD करने के बाद 3 साल का कोर्स और होता है जिसको हम DM या DNB ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, और ये 3 साल का कोर्स पूरा करके फाइनली पेशेंट को ऑन्कोलॉजिस्ट की डिग्री दी जाती है। तो आपकी MBBS भी ऑल इंडिया एम्स से है दिल्ली की, आपकी MD भी एम्स से है, DM भी एम्स से है, जिसे सब जानते हैं कि एम्स इंडिया का नंबर वन हॉस्पिटल है। ऐसी क्या खास बात है एम्स में जो इंडिया मतलब इतना बढ़िया हॉस्पिटल है, और एम्स से पढ़ने का आपका क्या फ़ायदा हुआ? जिस जो मरीज जैसे ठीक होते हैं तो एम्स में ऐसी क्या खास बात है कि वहाँ के पढ़े हुए डॉक्टर जो है वो अलग ही ग्रेड के होते हैं?
तो जो हमने तो मैंने एम्स में 12 साल बिताए, मैंने एम्स में MBBS MD DM कराया, वहाँ पे रिसर्च भी कराए, तो उस बिल्डिंग की एक एक ईंट से मैं परिपक्व हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस इज इंस्टीट्यूट व्हाट मेक्स इट डिफरेंट इज बेसिकली द लेवल ऑफ एक्सपोजर एंड एम्बिशन विच द इंस्टीट्यूट गिव टू द डॉक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल यदि हम अपने MBBS की बात करें तो हमारे इंटरनेशनल फैकल्टी आते थे स्पेशल रिसर्च के बारे में समझाने हैं या स्पेशल लेक्चर देने, जस्ट MBBS स्टूडेंट का जो 18 साल का लड़का है जो स्कूल से निकला है MBBS कर रहा है उसको स्पेशली ऐसी फैकल्टी से इंट्रोड्यूस किया जाता था जो बाहर से आया है और जिसने रिसर्च करी है, ताकि अर्ली टाइम से लड़के को एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और रिसर्च के बारे में अवेयर किया जाए, दूसरा शुरू से डॉक्टर को यह फील किया जाता है कि कोई भी चीज़ उसकी पहुँच से बाहर नहीं है। जब वो देखता है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी हो रहा है, तो उसका एक एम्बिशियस माइंडसेट बन जाता है, उसको लगता है कि यदि मैं ये टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में लाना चाहूँ तो मैं ला सकता हूँ। ये एबिलिटी शुरू से इम्बाइब की जाती है अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स। जैसे हम ऑन्कोलॉजी में थे तो जो वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस है, जैसे अमेरिका का कॉन्फ्रेंस होता है ASCO, यूरोप का कॉन्फ्रेंस होता है ESMO, शुरू से ही स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता था कि आप इन कॉन्फ्रेंस में जाए, आपने जो इंडिया में रिसर्च करी है उसको प्रेजेंट करें और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको समझे और इंडिया में लेके आए। तो एक तरह का ग्रेटर एक्सपोजर है और मेन क्या है कि डॉक्टर को उस उन एबिलिटी से एक्सपोज किया जाता है ताकि उनको कॉन्फिडेंस रहे कि अपनी कंट्री में भी वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो एबिलिटी देते हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है उसको हम ला के इस्तेमाल कर सकें। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा प्रो पॉइंट है जो एम्स का है, जो UG से सुपर PG स्टूडेंट सबको दिया जाता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि इस समय अगर वर्ल्ड में कोई भी टेक्नोलॉजी या इलाज कैंसर का है तो वो एम्स की वजह से इंडिया में अवेलेबल है? तो इसको इस तरह से बेटर कह सकते हैं कि यदि कोई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की इंडिया में है या आने वाली है तो वो एम और कहीं होना हो वो एम्स में प्रॉब्ली अर्ली आएगी और अर्ली डॉक्टर यूज़ कर पाएंगे। डेफिनेटली देखो एम्स की बात करें या और मान लो उसको कंपेयर करें कोई बहुत बड़े वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन से, तो हो सकता है कि हम उनसे टेक्नोलॉजी वाइज में भी कुछ टेक्नोलॉजीज में एक साल पीछे हो, इट कुड भी। तो हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा, बट यूजली वो जब भी इंडिया में आती है ये टॉप रेफरल इंस्टीट्यूशन में पहले आती है और अर्ली आती है। तो एम्स में होने की वजह से आप अप टू डेट रहते हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। तो कैंसर है, कैंसर के अंदर पहले कहते थे कैंसर के अंदर अगर कैंसर हुआ किसी को 6 महीने का मेहमान है, साल का मेहमान है, पर मैं आपके मरीज देखता हूँ और वैसे भी देखता हूँ तो आजकल कैंसर से मरीज कई कई साल क्या दशकों तक ठीक रहते हैं, तो क्या कारण है, क्या चेंज हो गया कि कैंसर पे धीरे धीरे कंट्रोल आना शुरू हो गया है? बिल्कुल, तो आई थिंक सबसे बड़ा आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेन चीज़ है वो टेक्नोलॉजी है, जो मुझे हमेशा लगता है कि ये ऐसी चीज़ है कि मान लो हमें कोई काम करना है कंपेयर्ड टू जैसे मान लो किसी को घर बनाना है, तो कंपेयर टू एक आग बंद करके आदमी कभी घर नहीं बना सकता। तो यदि हम 30 ईयर्स 40 ईयर्स पीछे जाएँ तो टेक्नोलॉजी का लेवल ऐसा था हमें ये भी नहीं पता था कि कैंसर का सेल ग्रो क्यों करता है, बस हमें ये पता था कि कैंसर का सेल है जो ग्रो करता है और फैलता है। व्हाट वी डिडंट नो इज कि बेसिक रीजन क्या है, वो सेल क्यों ग्रो कर रहा है, क्यों फैल रहा है, क्यों एक नॉर्मल ब्रेस्ट सेल और एक ब्रेस्ट कैंसर सेल अलग अलग बिहेव करते हैं। एंड व्हाट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स की इतनी रिसर्च हुई है इस फील्ड में कि सेल के एक एक पहलू को डिलिनेट किया गया है, क्यों एक नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट होता है। अब हमें पता है कि कैंसर सेल नॉर्मल सेल से कैसे अलग है, तो ऑब्वियसली जब हमें पता होगा कि कैंसर सेल नॉर्मल सेल से अलग है हम उसको और इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। यदि एक पुराना जमाना है जहाँ पे हमारे पास सिर्फ सेल्स को मारने की टेक्नोलॉजी है कि भाई हम बम फेंक देंगे उसके ऊपर कैंसर सेल मरेंगे, नॉर्मल सेल मरेंगे, कैंसर सेल थोड़े ज़्यादा मरेंगे, यदि हम पुराने टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे उस तरह की टेक्नोलॉजी है। पर यदि हम आज के दिन की बात करें तो ये कि चूंकि हमें पता है कि नॉर्मल सेल ऐसा होता है और कैंसर सेल ऐसा होता है, हम एक्जैक्टली उन डिफरेंसेस को टारगेट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कोई ऐसी दवाई दे सकते हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं सिर्फ कैंसर सेल को मारे और नॉर्मल सेल को नहीं मारे। और वही रीज़न है कि जो रिसर्च में 20 साल लगे उसके फल हमें अगले 20 साल में मिले हैं। तो ओवर द लास्ट, अब हालांकि मैं कह रहा हूँ रिसर्च 40 साल से चल रही है, पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो लास्ट 10-15 ईयर्स में इसलिए हुआ है कि जो 20-25 साल का रिसर्च है उसका फल अब मिल रहा है पेशेंट्स को और आउटकम इम्प्रूव हो रहा है। और जो मैंने देखा है लास्ट 10 ईयर्स में जितना रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ है कैंसर के आउटकम में, मुझे आगे भी दिख रहा है कि 10 ईयर्स में उससे भी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंज होएगा, एंड इसलिए पेशेंट्स का आउटकम और भी बेटर जा रहा है। पर कैंसर का इलाज तो बढ़ रहा है, पर कैंसर क्यों बढ़ रहा है? तो मेरे को लगता है जो इसके मल्टीपल कॉजेज है, एक तो बड़ा ही सिंपल कॉज है कि हमारी पॉपुलेशन अब ओल्डर जा रही है, कैंसर एक ओल्डर एज की बीमारी होती है, यंगर, हालांकि बच्चों में भी कैंसर होते हैं बट वो कम होते हैं, मेजॉरिटी कैंसर ओल्डर एज में होते हैं। तो एक समय था जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल की थी, तो यदि 40 साल के लाइफ एक्सपेक्टेंसी की पॉपुलेशन को आप लोगे तो ऑब्वियसली उसमें कैंसर कम होगा कंपेयर टू पॉपुलेशन जो आज की है। आज के दिन हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65-70 ईयर्स है, तो विद इंक्रीजिंग एज कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है।
सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल। तो कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि हम कॉमन कार्सिनोजन की बात करें, स्मोकिंग, अल्कोहल, उनका इंसिडेंस तो है ही हमारी कंट्री में बढ़ता घटता रहता है, पर अनकॉमन रिस्क फैक्टर जैसे क्या डाइट हम खा रहे हैं, क्या आहार खा रहे हैं, क्या प्रोसेस चीज़ों से हमारा एक्सपोजर है, डेली लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्या केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, धुआं कितना हमारी बॉडी में जा रहा है, हमारे पानी में क्या केमिकल मिले हैं, ये सारा भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जिससे हमारा कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया में क्लासिकली ब्रेस्ट कैंसर को एक अनकॉमन बीमारी माना जाता था। इफ यू गो बैक 30-40 ईयर्स तो कहते थे कि ब्रेस्ट कैंसर का रेट इंडिया में बहुत कम है। ब्रेस्ट कैंसर माने स्तन का कैंसर, बिल्कुल। तो इफ यू गो बैक 30-40 ईयर्स कहते थे कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम है। इंडिया में जो सबसे कॉमन लेडीज का कैंसर था वो सर्वाइकल यानी बच्चा देने के मुंह के कैंसर को बोलते थे। अब इंडिया में स्प्लिट हो गया है, जो सिटीज है उनमें ब्रेस्ट कैंसर इज द नंबर वन कैंसर ऑफ फीमेल, पर जो गांव है उनमें अब भी सर्वाइकल कैंसर नंबर वन कैंसर ऑफ फीमेल है। इसका मतलब क्या है? द डिफरेंस इज एक्चुअली द केमिकल एक्सपोजर और द लाइफस्टाइल और द वे द पेशेंट इज लिविंग। ब्रेस्ट कैंसर सिटीज में ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा है जो उनको कैंसर का रिस्क दे रहा है। गाँव में कम इसलिए है कि चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी गाँव में भी बढ़ गई है, बट दे डोंट हैव एक्सपोजर टू सेम एनवायरमेंट और सेम केमिकल जो हमारे शहरों में है। तो क्या कह सकते हैं कि शहरी लाइफ में पैसे है, कंफर्ट है, पर शहरी लाइफ में हमें कैंसर होने का भी रिस्क हमारे में बढ़ रहा है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सच है। और कोई भी देखेगा उनको ये दिखेगा कि शहरों में कैंसर का इंसिडेंस गाँवों से कंपेयर कहीं ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसे कुछ पांच चीज़ें बताइए, ऐसी पांच चीज़ें जो आप रोज़ देखते हैं और आप मना करते हैं मरीजों को जिससे उनका कैंसर इंसिडेंस बढ़ता है। ओके, इनफैक्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए यदि हम बात करें तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। एक तो बड़ा ऑब्वियस है, आई थिंक सबको पता है, आई थिंक न्यूज़ मीडिया में, हर थिएटर में, हर एड में यही बोला जाता है, कोई भी सिगरेट पीता है पिक्चर में दिखाते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो आई थिंक आज के दिन ऐसा कोई भी नहीं है इसको नहीं पता कि स्मोकिंग कैंसर कॉज करता है। इनफैक्ट जो भी रिसर्च हुई है, यदि हमारे देश में जितने भी कैंसर पेशेंट होते हैं, रिसर्च कहती है कि एक तिहाई कैंसर पेशेंट्स जो प्रिवेंटेबल कैंसर है वो स्मोकिंग की वजह से है, टोबैको की वजह से। तो एक बड़ा ऑब्वियस है कि जो स्मोकिंग है, पान मसाला है, गुटखा है, खैनी है, जो भी टोबैको या सुपारी के प्रोडक्ट है, वो नंबर वन प्रिवेंटेबल कैंसर वाला फैक्टर है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आई थिंक सबको पता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कैंसर कॉज करती है। नंबर टू इज अल्कोहल। तो हम खासकर अर्बन एनवायरमेंट में देखते हैं कि अल्कोहल का इंटेक दूसरे एरियाज में बढ़ रहा है जिनमें क्लासिकली अल्कोहल इंटेक नहीं था। जैसे फीमेल्स हो गए, क्लासिकली लेडीज में अल्कोहल यूजेज बहुत कम था, पर अर्बन सिटीज में आजकल हम देखते हैं कि लेडीज में अल्कोहल का यूज बढ़ता जा रहा है। वेल, अल्कोहल ब्रेस्ट कैंसर का इंपॉर्टेंट कॉज है, ब्रेस्ट कैंसर कॉज करता है, लिवर कैंसर कॉज करता है, ईसोफेगस, स्टमक आदि का कैंसर कॉज करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल फैक्टर है जो हम देखते जा रहे हैं। फिर थर्ड है फैटी फूड खाना और प्रोसेस्ड फूड खाना। तो यदि हम WHO की बात करें तो WHO कहता है कि, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि कोई भी मीट जो प्रोसेस्ड है, चाहे वो सलामी हो, सॉसेज हो, हैम हो, मतलब जो भी मांस किसी फैक्ट्री में यूज़ किया, प्रोसेस करके क्रिएट किया गया है, वो कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, उसको Tier 1 कार्सिनोजन बोलते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, आजकल पिज़्ज़ा पे सलामी, बर्गर में प्रोसेस्ड पैटी, सॉसेज बड़ा कॉमन हो गया है सिटीज़ के अंदर, जबकि गाँव में नहीं है। तो ईटन वाले कार्सिनोजन भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है कैंसर का। नेक्स्ट हो गया एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो यदि आई थिंक हम दिल्ली रहते हैं तो हमें तो पता ही है कि रोज़ जो हम हवा ब्रीथ कर रहे हैं, पता नहीं कितने सिगरेट के बराबर धुआं हम अपने लंग्स में ले लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। इनफैक्ट यदि हम लंग कैंसर की बात करें, अमेरिका वाला और इंडिया वाला, तो जिस तरह का जेनेटिक्स इंडियन लंग कैंसर में होता है, रिसर्च कहती है कि उसमें पॉल्यूशन का सोर्स बहुत ही ज़्यादा है कम्पेयर टू अमेरिका। अमेरिका में जो लंग कैंसर होता है मेनली स्मोकिंग वाला लंग कैंसर होता है, इंडिया में जो लंग कैंसर होता है वो भी मेनली स्मोकिंग वाला होता है, पर नॉन स्मोकर वाला लंग कैंसर और स्पेशल जेनेटिक म्यूटेशन वाला लंग कैंसर जो पोल्यूशन की वजह से होता है, फीमेल्स का लंग कैंसर, इंडिया में US से कम्पेयर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और उसका मेनली रीज़न ये है कि हमारे मेजर मेट्रो सिटीज़ पोल्यूटेड है और कंटिन्यूस धुआं का एक्सपोजर होता है जो कि बचपन से ही हो रहा होता है पेशेंट्स को। अरे क्या फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीना, ये भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो इसका लिंक कुछ केमिकल्स के लिए एस्टैब्लिश्ड है, कुछ के लिए नॉट एस्टैब्लिश्ड है, पर बहुत सारे केमिकल्स कैंसर का रिस्क टू वेरियस एक्सटेंट बढ़ाते हैं। तो एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है पेस्टिसाइड का। तो एक चीज़ जो रिसर्च ने शो करी है वो ये देखी है कि यदि आप अमेरिका, यूरोप, इवन जापान या अफ्रीका भी जाओगे तो गॉल ब्लैडर जो पित्त की थैली का कैंसर है वो बहुत ही रेयर कैंसर माना जाता है। वो कहते हैं कि लाखों में एक रेयर कैंसर गॉल ब्लैडर का कैंसर होता है। पर हमारे यदि हम दिल्ली, UP, बिहार, वेस्ट बंगाल की बात करें तो लेडीज़ का थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है, इट इज़ सच अ कॉमन कैंसर। तो
एक मिस्ट्री है, लोग कहते हैं कि क्यों इतना कॉमन है, ऐसा क्या रीजन है? तो बहुत लोगों ने ये बोला है कि जो बेल्ट है जो हिमाचल से स्टार्ट होकर वेस्ट बंगाल तक जाती है, ये हमारे नदियों की बेल्ट है। आपने देखा होगा ये वो एरिया है जहाँ से हमारे रिवर्स गुजरते हैं और वहाँ पे पेस्टिसाइड भी यूज होता है, इंडिया का सारे क्रॉप्स भी उगते हैं और फर्टिलाइजर भी यूज होता है, और ये पूरा फर्टाइल एरिया है जहाँ पे इंडिया के मेन क्रॉप्स उगते हैं। और बहुत लोग ये हाइपोथेसाइज करते हैं कि जो क्रॉप्स में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज होते हैं उनके क्रॉनिक एक्सपोजर से ये कैंसर का रिस्क बढ़ता है। एक और बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में हम सोचते भी नहीं है, वी डोंट थिंक अबाउट इट। जब आप किसी पेट्रोल पंप पर जाते हो और पेट्रोल की पर्ची आपको हाथ में काट के निकाल के दी जाती है, उसके ऊपर एक केमिकल कोटेड होता है, इसको बिस्फिनॉल ए या बीपीए बोलते हैं। तो बिस्फिनॉल ए एक नॉन एंडोक्राइन डिसरप्टर है, बिस्फिनॉल ए एक्सपोजर प्रूफ करता है कि इससे क्या होता है कि बॉडी के हार्मोन का लेवल डिसरप्ट हो जाता है, और इंपॉर्टेंट चीज़ उंगली के छूने से भी वो केमिकल बॉडी में चले जाता है, खासकर अगर आप गीली उंगली से छूओगे तो 10 गुना ज़्यादा केमिकल बॉडी में आता है और एंडोक्राइन डिसरप्शन कॉज करता है। इससे जो आपकी फील्ड की प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है और कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है। जो हार्मोनल कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी और प्रोस्टेट, इनका रिस्क भी बढ़ सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम सोचते नहीं है, यही केमिकल यदि यूरोप में आप कोई गाड़ी के पर्ची लोगे उस पर कोई कोटिंग नहीं है, बीपीए इज़ बैंड इन यूरोप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री हम अभी भी फेस कर रहे हैं, दूसरे नेशन फेस नहीं कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स होते हैं जो कैंसर का रिस्क। क्या आपका कहना है कि यूरोप और अमेरिका में कैंसर इंसिडेंस इंडिया से कम है? नहीं, उनका कैंसर इंसिडेंस ज़्यादा है क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल हमसे भी खराब है, बट उनकी गवर्नमेंट लेजिस्लेट करती है कि जितना केमिकल एक्सपोजर उनको बचा सके वो बचाने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जो आंत का कैंसर है हमारी कंट्री में कम होता है, रीज़न क्यों है? हम लोग नॉनवेज इतना नहीं खाते। देखा गया है कि जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं, खासकर रेड मीट खाते हैं, बॉडी में जाके वो इंटेस्टाइन के लाइनिंग को डैमेज करता है, धीरे धीरे शेड करता है, डैमेज करता है और ओवर टाइम वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंडिया में आज भी हमारी बल्क पॉपुलेशन वेजिटेरियन है और जो नॉन वेजिटेरियन है वो रेड मीट बहुत कम खाते हैं। यूएस में लोग डेली मीट खाते हैं, तो यूएस में कॉलन कैंसर नंबर 3 या नंबर 4 का कैंसर है, जबकि हमारी कंट्री में वो काफ़ी लो डाउन आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, मिडल ईस्ट के पेशेंट आते हैं, इराक के आते हैं, नॉर्थ अफ्रीका के आते हैं, जो इंडिया में अपना इलाज कराने आते हैं, तो उनका सबसे सबसे कॉमन कैंसर जो वो लेके आते हैं वो बड़ी हाथ का कैंसर है। क्यों? वो रोज मीट खाते हैं, एवरी डे दे वांट टू ईट रेड मीट। तो बहुत सारी लाइफस्टाइल चीज़ें हैं जो उनकी हमसे खराब। रेड मीट मतलब बीफ? रेड मीट मतलब बीफ, मटन और लैम, इसको हम रेड मीट में बोलते हैं। पर इसमें जितना ज़्यादा मीट में मायोग्लोबिन कंटेंट होता है, जो कि बीफ में सबसे ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और ये वो लोग हैं जो रोज बीफ खाते हैं, तो इनको इनका मील पूरा नहीं होता है सब चीज़ें खाए बिना। कहीं ना कहीं बीफ खाने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, अभी किसी को जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर डायग्नोज हो गया, किसी के फादर को, मदर को, ब्रदर को, घर में हो गया, तो उनके मन में कई सवाल उठते हैं कि भाई अब कैंसर हो गया, अब कैसे इसका इलाज होगा, कहाँ जाए, किसको दिखाए, बहुत खर्चा आने वाला है, इलाज अवेलेबल है भी या नहीं अवेलेबल है। तो मैं हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे ताकि हम सुनने वालों को बता सकें कि अगर आपके घर में आसपास किसी को कैंसर है तो किस तरीके से इफेक्टिवली उसका इलाज करा पाए। पर पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जितने भी फिल्म स्टार हैं, ये फॉरनर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये इमीडिएट बाहर भागते हैं कैंसर इलाज कराने के लिए। बाहर इलाज बेटर है या इंडिया में इलाज अवेलेबल नहीं है? एक्चुअली एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट भी हमसे उभरे पूछते हैं कि सर ये लोग बाहर क्यों इलाज कराते हैं, हमको भी बाहर, हम भी क्यों नहीं बाहर इलाज करा सकते हैं? तो इसका रीज़न ये है, देखो मेरे को क्या लगता है पर्सनली, व्हाट आई फील इज इन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी। यदि ये किसी भी इंडियन हॉस्पिटल में जाएगा तो इमीडिएटली धूम मच जाएगी कि हाय सो एंड सो खान ने हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया, उसको कैंसर है, दिन भर रिपोर्ट होगा, टंटा लगा रहेगा हॉस्पिटल में, सब उसे इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन का प्राइवेसी होता है कि लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ये सेलिब्रिटी है और वहाँ पे वो एक आम आदमी है, तो वहाँ पे उनको आई थिंक इतना फर्क नहीं पड़ता, लोग इतना वॉच नहीं करते और माइंड नहीं करते। रिगार्डिंग ट्रीटमेंट वाइज मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी सेलिब्रिटीज जिनको हम फेमस मानते हैं इनका कैंसर का इलाज हुआ, चाहे वो संजय दत्त हो, क्या कहते हैं सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो युवराज सिंह हो, उनको जो भी ट्रीटमेंट मिला है वो वही ट्रीटमेंट मिला है। अगर वो इंडिया में इलाज कराते तो उनका ट्रीटमेंट इंडिया में भी वही होता है। इनफैक्ट युवराज सिंह, संजय दत्त दोनों ने अपना आधा इलाज बाहर, आधा इलाज इधर कराया और वही ड्रग मिले उनको वहाँ पे और वही ड्रग मिले उनको यहाँ पे, एब्सोल्युटली सेम ट्रीटमेंट हुआ था दोनों जगह पे। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि मेन रीज़न जो सेलिब्रिटीज बाहर जाते हैं वो उनकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए होता है, और सेकंड जो ट्रीटमेंट बाहर का है वो टिपिकली इंडिया से 20 से 30 गुना महंगा होता है, वो उन लोगों के लिए अफोर्डेबल है जो कि हमारे आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो मुझे लगता है यही मेन रीज़न है कि सेलिब्रिटीज अपना इलाज बाहर कराते हैं। तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, कैंसर का डायग्नोसिस मिलते ही सबसे पहले जो फैमिली के दिमाग पे चलता है वह खर्चा। उन्हें लगता है कि भाई कैंसर हो गया, खर्चा बहुत करना पड़ेगा, अब तो घर बिक जाएगा, बच्चे की शादियाँ कैसे होगी।
तो क्या कैंसर का इलाज एक्चुअली इतना एक्सपेंसिव है या कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से हॉस्पिटलों में बहुत एक्सपेंसिव कर दिया गया है? ओके, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी कोई कैंसर पेशेंट, जैसे हम कैंसर पेशेंट सब वॉक्स ऑफ लाइफ पे देखते हैं, जैसे मेरा एक छोटा सेंटर है करोल बाग में, उसमें भी देखता हूँ, मेरा सेंटर फोर्टिस हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल में, उधर भी पेशेंट देखता हूँ, तो वी सी पेशेंट एट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले चीज़ जो पेशेंट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, पेशेंट को यह मिसकंसेप्शन होता है कई बार कि कैंसर का, मान लो कैंसर एक ताला है, तो उनको लगता है कि जितना बड़ी चाबी लगाओगे, जितनी महंगी सोने की चाबी लगाओगे तो ही ताला खुलेगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैंसर का ट्रीटमेंट आज के दिन एक प्रेसिजन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है, कि हर बीमारी का अपना इलाज है, और ऐसा नहीं है कि तुम ज़्यादा खर्चा करोगे तो और बेटर आउटकम या और बेटर सर्वाइवल आएगा। यदि मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लूँ, जैसे सपोज किसी को, सपोज कोई पेशेंट आता है जिनको स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर है, मान लो ब्रेस्ट में गांठ और बॉडी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो पेशेंट को लगता है कि परसेप्शन ये होता है कि स्टेज वन होता है तो शायद सर्जरी से ही मेरा काम हो जाता, स्टेज फोर है तो बहुत महंगा इलाज होने वाला है। जबकि इनफैक्ट ट्रुथ ये है कि मेजॉरिटी स्टेज फोर कैंसर पेशेंट जो ब्रेस्ट के हैं, उनमें यदि हम हार्मोन थेरेपी से इलाज करें तो 1000 रुपये महीने की टैबलेट है जो पेशेंट को सालों साल लेनी है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कैंसर का इलाज सस्ता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी घर में किसी को कैंसर होता है तो सबसे पहले फैमिली को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलैक्स करना चाहिए और देखना चाहिए पहले एक्चुअली इलाज क्या है। इज इट गोइंग टू रिक्वायर, एवरी कैंसर का इलाज डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हर कैंसर का एक ही इलाज है, सबका अपना अपना इलाज है। और फैमिली को पहले फिगर आउट करना चाहिए कि उनका इलाज होने क्या वाला है, इज इट कॉस्टली, इज इट चीप, इसमें क्या क्या फंड्स की अरेंज जरूरत पड़ेगी और कहाँ का इलाज करा सकते हैं, एंड टेक इट फ्रॉम देयर। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यदि किसी को भी कैंसर डायग्नोज हो, सबसे पहले कॉस्ट फैक्टर को माइंड से अलग करके पहले पता करना चाहिए कि इसका इलाज क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि कॉस्ट फैक्टर क्या है और उस कॉस्ट फैक्टर को कैसे डील करना है, इसको फिगर आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो दिमाग में उठता है कैंसर पेशेंट्स के, क्योंकि जब कैंसर होता है तो क्या है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, तो हजारों तरफ ओपिनियन आता है, कोई कहता है जी इसको बॉम्बे ले जाओ, कोई कहता है जी इसको दिल्ली ले जाओ, कोई कहता है जी इसको अब्रॉड ले जाओ, कोई कहता है दिल्ली एम्स के अलावा कहीं मत लेके जाना। पेशेंट दूर दूर से पूरी फैमिली को बांध के अपना काम धंधा छोड़ के सब पहुँच जाते हैं लाइनों के अंदर, क्या इन बड़े सेंटर्स में जाना बेनिफिशियल है, या अगर आपके घर के पास कोई अच्छा क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट हो तो घर के पास इलाज कराना बेटर है? ओके, तो सबसे पहले इस जो अब्रॉड इलाज कराने वाली बात है उसको पहले हम एक बार साइड करते हैं, क्योंकि इंडिया के बाहर इलाज कराना, इंडिया की 0.01% पॉपुलेशन ओनली एंड ओनली वो अफोर्ड कर सकते हैं। जो हमारे कुछ पेशेंट हैं जो बाहर जाके अपना इलाज कराते हैं, और एक्चुअली किसी भी पेशेंट का जो इलाज का खर्चा है 2.5 से 3 करोड़ से कम नहीं आया है टिल डेट। आज तक मैंने कोई पेशेंट अमेरिका नहीं भेजा है जो 3 करोड़ से कम खर्च करके आया अपने कैंसर के इलाज में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट का जो है वो हमारे VIP और हीरोज और बड़े पॉलिटिशियन और इनके लिए ही है, आम आदमी के लिए फॉरेन ट्रीटमेंट इज नॉट देयर, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। लोगों को लगता है कि इंडिया का इलाज एक्सपेंसिव है, बट US का इलाज इंडिया से 20 से 30 गुना एक्सपेंसिव है, आप सोच भी नहीं सकते कितना एक्सपेंसिव है। उधर जिस दिन तुम डॉक्टर से मिलने आते हो 2 लाख रुपये टेबल पर रखने पड़ते हैं बस डॉक्टर को हेलो बोलने के लिए, इलाज तो उसके बाद शुरू होता है। तो US का ट्रीटमेंट पहले उसको साइड रखते हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे। सेकेंड बात करते हैं इंडिया की, तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर के ट्रीटमेंट की, देखो सबसे पहली चीज़ है जब भी किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ है वी नीड टू नो व्हाट इज़ द राइट ट्रीटमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इलाज करेक्ट क्या है। अब वो इलाज कोई भी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ से डिलीवर हो, जो पेशेंट का ख्याल रखे, जो पेशेंट को पर्सनल तरीके से देखे और अपना फैमिली मेंबर के ट्रीट करे, दैट इज सफिशियंट मेरे को लगता है। एज लॉन्ग एज दैट ट्रीटमेंट इज डिलीवर्ड बाय गुड क्वालिफाइड एक्सपर्ट हैंड्स, इट इज़ बेटर, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बेटर है और पेशेंट की ओवरऑल आउटकम लुक के भी बेटर है कि वो अपने घर के पास एक एक्सेसिबल, एक फ्रेंडली डॉक्टर से कराए रादर देन एक बिग सोलस डॉक्टर से कराए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज लॉन्ग एज द ट्रीटमेंट इज करेक्ट एंड डॉक्टर इज क्वालिफाइड, आई थिंक इट इज सफिशियंट कि पेशेंट अपना कैंसर का इलाज अपने घर के पास भी करा सकता है, जहाँ पे उसके लिए ट्रीटमेंट चीपर हो और ईजी हो। अच्छा, एक जो आज के दिन बहुत कॉमन है मोडस, वो कहते हैं कि भाई कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी है और कैंसर की दवाइयों में ही बहुत प्रॉफिट है तो हॉस्पिटलों में, तो क्या एक्चुअली कैंसर की दवाइयाँ बहुत एक्सपेंसिव है या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में या बहुत ज़्यादा मार्जिन डाल के इस वजह से महंगा पड़ता है? ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि कैंसर की दवाइयों की भी जनरेशन है, कैंसर की दवाई हर साल नई दवाइयाँ आती है और इन जनरल हर साल दवाइयों का कॉस्ट भी कम होता है। तो कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो एक इवॉल्विंग फील्ड है। यदि तो फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास कोई कैंसर का पेशेंट आता है तो जो चीपेस्ट दवाई है वो कीमोथेरेपी है। वो कीमोथेरेपी क्यों है? क्योंकि वो पुरानी दवाइयाँ है
उस दवाई को कम से कम 20 कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही है और उन पर कोई पेटेंट नहीं है, उनको चीप रेट पे पेशेंट को दिया जा सकता है। सिमिलरली हार्मोन थेरेपी की दवाइयाँ होगी, जैसे आप भी यूज़ करते हैं, हार्मोन थेरेपी की दवाइयाँ पुराने जनरेशन की है, इनका कोई पेटेंट नहीं है, बहुत सारी कंपनियाँ बनाती है और रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है। पर सपोज कोई पेशेंट चाहता है कि जो वर्ल्ड का लेटेस्ट, जो अभी अभी अमेरिका में डिस्कवर हुआ है, जो इंडिया में भी नहीं है, मुझे वो दवाई इंपोर्ट करके इस्तेमाल करनी है, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो एक ही कंपनी बनाती है, उस कंपनी का पेटेंट है, उस दवाई को कोई और कंपनी को बनाने देते और वो अपनी मोनोपोली की वजह से उसको लाखों में बेचते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड करता है कि पेशेंट के, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पेशेंट को किस दवाई की ज़रूरत है और विद इन दैट ग्रुप पेशेंट की जो दवाई की ज़रूरत है उसमें भी पेशेंट के पास यूजली कई ऑप्शन होती है। क्योंकि देखो, यदि हम 10 साल पीछे जाएं, जब टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी नहीं होती थी, तब भी पेशेंट का इलाज होता था, फिर फर्स्ट जनरेशन टारगेटेड थेरेपी, उनसे अच्छा आउटकम था। अब क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन दवाई आ रही है जिनसे और भी अच्छा आउटकम है, और जो दवाई, मुझे याद है हम 7-8 साल पहले पेशेंट्स को जो दवाई महीने की 40,000-50,000 की मिलती थी, आज के दिन 1,000 रुपये महीने में भी वो दवाई मिलती है। तो एज टाइम पासेस जो नई टेक्नोलॉजी है वो सस्ती होती रहती है और उसकी जगह पे और नई टेक्नोलॉजी आती रहती है जो एक्सपेंसिव है। कि रीज़न क्या है कि उसका पेटेंट खत्म हो जाता है, वो ड्रग और कंपनियां बनाने लग जाती है, हमारी कंट्री में बनने लग जाते हैं, हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता और कॉस्ट उसका कम होता रहता है। नंबर टू, जो महंगी दवाइयाँ हैं उनको भी सस्ता देने का तरीका है। वेरी इंपॉर्टेंट इज कि डॉक्टर उस रास्ते को पेशेंट को ऑफर करें और पेशेंट उस रास्ते का फ़ायदा उठाए। तो फॉर एग्जाम्पल, एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, जो बॉडी के इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल करती है कैंसर को मारने के लिए। तो भाई, डॉक्टर अगर इम्पोर्टेड दवाई, बिल्कुल जैसे इम्पोर्टेड दवाई वाली कंपनी दवाई बेचना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर अगर उस दवाई को यूज़ करे, तो उस दवाई का खर्चा 10-15 लाख रुपये पर ईयर का होता है। परंतु एक नई कॉन्सेप्ट आ गई है, लो डोज इम्यूनोथेरेपी, जो हमारे इंडियन डॉक्टर्स ने डिवाइस करी है, जिसमें उसी दवाई को लो डोज पे देखे सेम और बेटर आउटकम पाया जा सकता है और उसका कॉस्ट 95% कम है, मतलब इट इज 95% लोअर देन द इंटरनेशनल प्राइस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द पेशेंट नीड्स, सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू एक्सेस इट फॉर द पेशेंट, और अगर डॉक्टर इज विलिंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी में पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं हर लेवल पे, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फाइंडिंग द राइट बैलेंस फॉर द पेशेंट। मतलब आपका कहना है कि अगर आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आपका डॉक्टर आपका संपूर्ण ख्याल रखना चाहता है, तो वह आपके ट्रीटमेंट को इस तरीके से डिजाइन करेगा कि आपका ट्रीटमेंट सही जगह Absolutely. सही पैसे में हो जाए। Absolutely. तो इसके लिए आपको एक अच्छा ऑन्कोलॉजिस्ट ढूंढना जरूरी है। बिल्कुल। तो एक अच्छा ऑन्कोलॉजिस्ट कैसे पता करे? आज फॉर एग्जाम्पल हम जाए तो ऑन्कोलॉजी कैंसर एक मार्केट है, हर जगह एड रहता है, एड कॉर्पोरेट्स का एड होता है, ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर का तो नाम ही नहीं होता, सिर्फ हॉस्पिटल का नाम है कि फलाना हॉस्पिटल में चले जाओ, यहाँ चले जाओ। तो अगर आज मुझे अपने फादर का या मदर का ट्रीटमेंट कराना है, तो मैं कैसे पता लगाऊँ कि ये जो ऑन्कोलॉजिस्ट है ये अच्छा है? तो मिलने से पहले कैसे, क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए हमें उसमें? ओके, तो देखो, सबसे पहला वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑलवेज रिमेंबर इज द डॉक्टर इज इंपॉर्टेंट, नॉट द बिल्डिंग। जिस बिल्डिंग में डॉक्टर बैठा है वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना डॉक्टर इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा डॉक्टर शायद एक झोपड़ी में बेटर आउटकम देते कम्पेयर टू एक बुरा डॉक्टर जो कि एक स्काई स्केपर में बैठा है। मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ गुड इज द डॉक्टर, नॉट हाउ गुड इज द हॉस्पिटल। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि डॉक्टर कैसा है। तो सबसे पहले देखो, एक अच्छा डॉक्टर पिक करना इज अ प्रोसेस। जैसे सपोज मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज हमें घर के लिए गाड़ी खरीदनी है, जो एक ऐसा फॉर एग्जांपल, तो गाड़ी के लिए हम यही देखते हैं ना, हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली में और लोगों का क्या एक्सपीरियंस है किसी और के पास। तो फर्स्ट इज कि दूसरे पेशेंट, दूसरे फैमिली मेम्बर या फ्रेंड या रिलेटिव में जिनका कैंसर का इलाज हुआ है, हम उनसे एक जजमेंट ले सकते हैं कि उनका कहाँ इलाज हुआ है और किस डॉक्टर के हुआ है, उसका उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दैट इज नंबर वन। नंबर टू इज क्वालिफिकेशन। तो जैसे सपोज मुझे स्कूटर खरीदना है, मैं स्कूटर खरीद सकूँ, खरीदना चाहूँ, तो बजाज का खरीद सकता हूँ जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड रेप्यूटेड ब्रांड है, या मैं सड़क पे कोई आदमी स्कूटर की बना रहा है उसका भी खरीद सकता हूँ। तो डॉक्टर्स में सर्टिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि किसी डॉक्टर के पास डिग्री है, उसके पास MBBS MD DM की डिग्री है, अच्छे इंस्टीट्यूशन से है, ये पॉइंट करता है कि उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, उसको एक्सपोजर अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, ही इज एक्सपोज टू ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड एंड ही कैन ऑफर दोज टू द पेशेंट। तो एक चीज़ जो आदमी बड़ा क्लियरली चेक कर सकता है, दिखता है कि पेशेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, उसने उसके पास तीनों डिग्री है क्या, क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट, असली ऑन्कोलॉजिस्ट बनने के लिए पेशेंट के पास तीनों डिग्री की जरूरत है। और तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो यार, कैंसर जैसी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, एक सीरियस बीमारी का इलाज हो रहा है और इसमें कोई भी गलती हो सकती है, फ्यूचर में पेशेंट के लिए डेडली हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कैंसर का पेशेंट, चाहे कहीं भी अपना इलाज करा रहा हो, उसको एक सेकेंड या थर्ड ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद कह रहा हूँ, मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ,
पर मेरे घर में भगवान ना करे जिसको ये बीमारी होती है तो मैं दो ओपिनियन कम से कम जरूर लूंगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि कितने अच्छे रिव्यू हो, कितने अच्छी चीज़ें हो, कितने अच्छे एक्सपीरियंस हो, कुछ चीज़ें हमेशा किसी से मिस हो सकती है। तो कोई वो नहीं है, कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है कि उससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। तो किसी भी कैंसर पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एटलीस्ट एक सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए देखने के लिए कि ट्रीटमेंट उसका सही तरीके से हो रहा है। और सेकंड डॉक्टर को भी ऐसे पिक करना चाहिए थ्रू टेस्टिमोनियल, थ्रू एक्सपीरियंस एंड थ्रू डिग्रीज। तो इन चीज़ों की मदद से पेशेंट एक डॉक्टर एक ट्रीटमेंट की लाइन पिक कर सकता है। और अब एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, हमारे देश में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से भी ऊपर रिलीजियस फेथ एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। बहुत पेशेंट कहते हैं हम रेगुलर इलाज नहीं कराएंगे, होम्योपैथी, आयुर्वेद, आयुर्वेद के अंदर भी प्लांट, नेचुरोपैथी, कोई फलाना बाबा है जड़ी बूटी खिलाता है, कोई भगवान है, मंदिर है, यहाँ जाके इलाज कराएंगे। तो उसके बाद पेशेंट्स का कैंसर बढ़ता भी है और कई पेशेंट जो है वो लेट हो जाते हैं, पर ऐसा भी देखा गया है कि मिरेकल होते हैं, पेशेंट ठीक हो गए। बिल्कुल, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, तो सबसे पहले मुझे लगता नहीं कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आई थिंक इट इज़ अ नॉर्मल क्वेश्चन, और हर ही पेशेंट पूछता है तो हम रोज ये क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। देखो मुझे क्या लगता है, देखो एक अच्छी ट्रीटमेंट वो है जो प्रेडिक्टेबल हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेडिक्टेबली रिजल्ट आना चाहिए। देखो हम सब जैसे आपने मिरेकल की बात करी, तो देखो हम सब जानते हैं कि 100 में से एक पेशेंट जिसका आउटकम बहुत अच्छा हुआ और उसके बारे में हम सब जानते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, बट मॉडर्न साइंस इज अबाउट प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई मैं 100 पेशेंट ट्रीट करूँ तो 90% का तो फायदा होना चाहिए, चाहे 10% को फायदा हो या ना हो। तो जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसमें अच्छी चीज़ क्या है कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी है, रिसर्च है, इसका साइंस पब्लिश्ड है, किसी ने पहले 500 पेशेंट ट्रीट करे हैं और अपनी रिसर्च प्रेजेंट करी कि भाई हमने 100-500 पेशेंट ट्रीट करे, इनमें से इतनों को फायदा हुआ, इतनों को नहीं फायदा हुआ, जिनको फायदा हुआ उनको इतना फायदा हुआ। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो पेशेंट से पूछते हैं कि सर क्या हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक कुछ ले सकते हैं, तो मैं पेशेंट को हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको लेना है तो आप मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ ले लो, टेक दी मॉडर्न ट्रीटमेंट जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है, जिसका मेरे को प्रेडिक्टेबिलिटी पता है, जिसका मुझे साइंस पता है, और आपको साथ लेना है तो आप ले सकते हो विद डिस्कशन। तो फॉर एग्जांपल सपोज मैं कोई दवाई दे रहा हूँ उसका लिवर पे जोर पड़ता है, साथ में कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रहा है उसका लिवर पे जोर पड़ता है, तो मैं उसको बोलूँगा कि अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर लो ताकि वो दवाई ना दी जाए, ताकि हम इस तरह से कर ले कि पेशेंट को साइड इफेक्ट का रिस्क ना हो। तो एक अच्छे कोऑपरेशन से पेशेंट उन ट्रीटमेंट का भी फायदा उठा सकता है और मॉडर्न थेरेपी का भी फायदा उठा सकता है। बट व्हाट आई हैव सीन इज कि अगर पेशेंट सिर्फ उसी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ही लेता है, मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं लेता है, तो डेफिनेटली कुछ पेशेंट इनको फायदा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि फायदा नहीं होता, देयर मस्ट बी सम पेशेंट हु बेनिफिट, बट उनका नंबर स्मॉल है, उनको एक प्रेडिक्टेबल लॉन्ग टर्म बेनिफिट यूजली नहीं मिल पाता। तो मेरा सजेशन यही रहता है, क्योंकि जो भी हमें आज कैंसर का सर्वाइवल मिला है वो 30 साल की रिसर्च का फल है, और रिसर्च क्या है कि बेसिकली सेल कैसे काम करता है और उस बेसिस पे हम उनको ट्रीट करते हैं। तो मेरे हिसाब से उस रिसर्च का फ्रूट नहीं इंजॉय करना एक बहुत ही एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। तो पेशेंट को रिसर्च का फायदा उठाना चाहिए, बट पैरेलल में यदि वो कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेना चाहे तो हम यूजुअली पेशेंट्स को मना नहीं करते। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उन रिलेटिव्स के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जिनका कैंसर अनफॉर्चुनेटली आगे बढ़ चुका है, डॉक्टर्स ने जवाब दिया है एंड ऑफ लाइफ तक जा रहे हैं। दो क्वेश्चन है इसमें जी। पहला क्वेश्चन कि हमारे मरीज ने काफ़ी फाइट करी, बहुत स्ट्रांगली फाइट करी, पर दवाइयाँ नहीं काम कर रही, कब हम डिसाइड करें कि इसका और इलाज ना कराए, कब हम डिसाइड करें कि बेटर है कि हम इनको तैयार करें, इनको तैयार होने दें अगले जीवन के लिए, आगे मूव ऑन करने के लिए, आप क्या सलाह देते हो? ओके, तो मैं बताता हूँ कि एज अ डॉक्टर हम इस चीज़ को कैसे डील करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट की बीमारी का क्या जड़ से इलाज का चांस है। तो यदि पेशेंट की बीमारी का जड़ से इलाज सपोज 15% भी है, तो हमें अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, हमें ट्रीट करना चाहिए, चाहे हमें लगे कि पेशेंट को साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, हमको उनके थ्रू जाना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए। तो क्योरेबल पेशेंट को हम पहले अलग कर देते हैं, अगर थोड़ा चांस भी क्योर का है तो हमें पूरे जी जान से उस क्योर के लिए ट्राई करना चाहिए। यदि पेशेंट की बीमारी क्योरेबल नहीं है और पेशेंट जो भी हमारे पास थेरेपीज अवेलेबल है अनफॉर्चुनेटली उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, तो टिपिकली हम इसको ऐसे डिसाइड करते हैं, हम देखते हैं कि पेशेंट को इलाज करने का फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। सपोज मेरे पास कोई ट्रीटमेंट है जिसका काम करने का चांस 2-3% ही है, पर उस ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट को परेशान होने का चांस 50% है, तो हमें उस पॉइंट पे ट्रीटमेंट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट का बेनिफिट इतना है और रिस्क इतना है। जब तक बेनिफिट इतना है रिस्क इतना है हमें ट्रीट करना चाहिए, जैसे बेनिफिट इतना रहता है रिस्क इतना रहता है हमें ट्रीटमेंट बंद कर देना चाहिए। और सेकेंड क्वेश्चन है कि अब ट्रीटमेंट बंद कर दिया है, अब हमारा पेशेंट जो है वो बीमार हो रहा है हमारे सामने,
और हमें पता है कि पेशेंट जाने वाला है, डेली हम वीकनेस देख रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है यूथनेजिया जो वेस्ट में है, जहाँ पर पेशेंट रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं बिल्कुल, मतलब मेरे को ऐसा लाचार मत करो कि मैं बिल्कुल लाचार हो जाऊँ, मेरे को एक रिस्पेक्टफुल डिग्निफाइड डेथ मिले। वो कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में जो यूथनेजिया की कॉन्सेप्ट बैंड है, मुझे नहीं लगता ये गलत डिसीजन है। मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत सारे ग्रे एरियाज है, लोग इस रूल को अब्यूज़ कर सकते हैं। क्राइम करने के लिए किसी को यूथनेजिया कर दिया, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है अपने फादर को यूथनेजिया कर दिया, तो मुझे लगता है इंडिया में इस रूल का अब्यूज़ पोटेंशियल ज़्यादा है, शायद इसीलिए कोर्ट ने कॉन्सेप्ट को अलाउ नहीं किया है। तो मैं अग्री करता हूँ कि शायद यूथनेजिया इंडिया के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो इंडिया में हम ऐसे पेशेंट्स के लिए करते हैं, सबसे पहले बोलूँगा कि ऐसे फ्यू ही पेशेंट्स होते हैं। आज के दिन 2/3 ऑफ पेशेंट्स आर क्योर्ड, 2/3 मरीजों का जड़ से इलाज होता है, और बचे हुए 1/3 में भी ज़्यादातर पेशेंट लंबी लाइफ जीते हैं। पर सपोज कोई पेशेंट ऐसा है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम टर्मिनल या पैलिएटिव केयर बोलते हैं, और इसमें पेशेंट को एक्टिवली यूथनेजिया देने के बजाय हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट के पास जो भी टाइम है वो कंफर्टेबल रहे, खुश रहे और हेल्दी रहे। तो पेशेंट को, हालांकि हमने कैंसर की दवाइयाँ बंद कर दी है, पेशेंट को तब भी दवाइयाँ और सहारा दिया जाता है कि पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है कि वो खाता पीता रहे, स्टूल पास करता रहे, उसको दर्द ना हो, उसकी सांस ना फूले, वो खुश रहे फैमिली के साथ, अपना जो भी टाइम है हेल्दी कर सकता है। इस तरह की दवाइयाँ बहुत सारी अवेलेबल है, इसको गुड सपोर्टिव केयर बोलते हैं। और इन दवाइयों को देके हम ये ट्राई कर सकते हैं कि पेशेंट को जो भी कुछ महीने का टाइम है, पेशेंट खुशी खुशी और कंफर्टेबली उस टाइम को निकाल दे। और ये भी एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट का काम है। अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट का काम ये भी है कि जिस पेशेंट को कैंसर की दवाइयों से हेल्प नहीं कर सकता, उसका जो एंड का टाइम है वो अच्छी तरह पेशेंट का कंफर्टेबली निकाल दे बाय क्लोज एसोसिएशन विद द फैमिली। तो ये ऑन्कोलॉजी के केयर का हिस्सा है, और जिन पेशेंट को जरूरत होती है उनके लिए हम ये जरूर करते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, आप रोज मरीजों को देखते हैं जो कैंसर के इलाज के लिए आते हैं, इलाज भी कराते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, ठीक भी होते हैं, नहीं भी ठीक होते हैं, इस सब स्थिति में व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, वेयर इज गॉड इन ऑल दिस? मतलब इतनी सफरिंग जैसे है पेशेंट की, आप पेशेंट ही बोलते हैं डॉक्टर साहब ये भगवान बीमारी क्यों दी, मुझे क्यों दी, तो व्हाट डू यू थिंक एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट एंड एज की व्हाट इज द रोल ऑफ गॉड इन दिस? एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट मेरा भगवान पे भरोसा और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एवरी टाइम आई सी ए कैंसर पेशेंट, ये एक भगवान की रियलाइजेशन है कि आदमी कितना ही कमा ले, कितना ही स्ट्रांग हो जाए, कितना ही पावरफुल हो जाए, कोई एंड ऑफ द डे भगवान को कोई डिफीट नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान की एक लीला है जिसमें हम सब प्लेयर्स हैं, और जो भी होता है वर्ल्ड में, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है जो हमारी समझ के ऊपर है। आदमी नहीं बोल सकता कि मैं माइंड ऑफ गॉड समझ सकता हूँ, पर वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान की विल के साथ साथ आदमी का एफर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान की इच्छा आदमी के विल के थ्रू होती है। यदि आदमी, यदि कोई पर्सन है उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, कोई हेल्थ की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो भगवान पे छोड़ दे कि भगवान की मर्जी है वो करेगा नहीं करेगा। ये वर्ल्ड में हर चीज़ में है, चाहे पैसे कमाने पे है, चाहे बिजनेस में है, चाहे कुछ भी करना है, बच्चे बड़े करना है, काम करना है, हर चीज़ में ये है कि भगवान का सहारा या भगवान की इच्छा एंड ऑफ द डे फॉलो होती है, पर आदमी को अपनी विल से और अपनी एनर्जी से अपना इलाज या ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, और एंड ऑफ द डे जो फाइनली होता है भगवान का विल ही होता है। तो इससे टॉपिक ख़त्म करते हैं। डॉक्टर विनीत से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, और अगर इसको कंक्लूड करें तो अगर आपके घर में, परिवार में किसी को कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है, तो पहली बात तो ये मन में बिल्कुल निकाल दे कि इसका इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज है। 2/3 मरीज जैसे बताया आज अच्छी ट्रीटमेंट से लंबा जीवन, सेहतमंद जीवन जीत सकते हैं, 1/3 मरीज कैंसर से ठीक हो सकते हैं। कैंसर से कैसे बचे वो हमने समझा, कैंसर से अगर हुआ है तो उसका इलाज कैसे ठीक से कराए वो समझा, बहुत खर्चा नहीं है ये समझा, और आखिर में ये समझा कि हम और हमारा जीवन भगवान के हाथ में है। हम अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं अच्छा जीवन जीने के लिए, एफर्ट कर सकते हैं अपने जीवन को हेल्दी रखने के लिए, पर अगर बुरी स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, तो उससे लड़ना भी इसीलिए शायद हमें भगवान ने मौका दिया है कि उससे लड़े, और भगवान साथ देगा तो उसका इलाज भी मिलेगा, हम ठीक भी होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू मेड टॉक्स। डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता का अपना खुद का कैंसर चैनल है, अगर आपके घर में कोई कैंसर से पीड़ित है तो उस चैनल पर जाकर आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। डॉक्टर विनीत नई दिल्ली इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, आप चाहे तो उनको दिखा भी सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उनसे हम इनका क्लैरिफिकेशन लेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।